नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ सौम्या श्री। एक तरफ तो कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन इनकी खुद की पार्टी में महिलाओं की स्थिति बेहद ही खराब है। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी में ही महिलाओं का शोषण हो रहा है। महिलाएं पार्टी के बाहर तो छोड़िए, अंदर भी सुरक्षित नहीं है। कल तक अंकिता दत्ता और आज सिमी रोजवेल, जिसने भी कांग्रेस के खिलाफ आवाज उठाई उसी पर पार्टी ने कई झूठे आरोप लगाकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। दरअसल मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में जब से जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट आई है तब से खलबली मची हुई है। अब कास्टिंग काउच और मीटू मूवमेंट की एंट्री केरल के पॉलिटिक्स में भी हो गई है। कांग्रेस की महिला नेता सिमी रोजवेल ने कांग्रेस पर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है, लेकिन सिमी रोजवेल का ये आरोप उन पर ही भारी पड़ गया है। कांग्रेस पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। पार्टी की वरिष्ठ नेता सिमी रोजवेल ने कहा है कि केरल कांग्रेस में भी महिलाओं का शोषण, यौन उत्पीड़न और कास्टिंग काउच होता है। यहां पर महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं। आरोप लगाए जाने के तुरंत बाद पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। महिलाओं को कांग्रेस पार्टी में आगे बढ़ने के लिए समझौते करने पड़ते हैं और टैलेंट का यहाँ कोई काम नहीं है, उनके साथ यौन उत्पीड़न होता है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी ने उनके आरोपों पर कोई सुनवाई नहीं की और इसके बजाय उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया है। कांग्रेस नेता की महिलाओं के प्रति घटिया सोच का एक वीडियो हाल ही में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। 5 अगस्त 2024 की रात का ये वीडियो राजस्थान विधानसभा के भीतर का है। इस वीडियो में दिख रहा है कि कुछ कांग्रेस विधायक बैठे हुए हैं और एक विधायक कह रहा है कि जिसको भी आगे बढ़ना है वो पैर दबाएगी। कांग्रेसी महिला विरोधी मानसिकता की एक झलक आप पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के एक सोशल मीडिया पोस्ट में भी देख सकते हैं। सोनिया प्रियंका की करीबी महिला प्रवक्ता ने हाल ही में कंगना रनौत पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। इसके पहले अप्रैल 2023 में भी असम की पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष अंकिता दत्ता ने भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास के खिलाफ मानसिक उत्पीड़न करने को लेकर दिसपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कांग्रेस ने आरोपी पर एक्शन लेने के बजाय अंकिता दत्ता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। ये केवल कुछ ही मामले हैं। कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता की लिस्ट इससे काफी बड़ी है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी में ही महिलाओं का शोषण हो रहा है, जो बेहद ही शर्मनाक है। रितम मीडिया की नई ऐप आ गई है। जी हाँ, देश की उभरती हुई बहुभाषी मल्टीमीडिया रितम ऐप का नया वर्जन लॉन्च कर दिया है। इस नए अपडेट के साथ मिलेंगे आपको ढेर सारे मजेदार फीचर्स। जैसे ही आप ऐप खोलेंगे आपको सबसे ताजी खबरों का सेक्शन लेटेस्ट न्यूज मिलेगा। इसमें आप देश दुनिया की हर खबर PIH और देख सकते हैं। साथ ही दिस डे इन हिस्ट्री में जानिए इतिहास की खास बातें। रितम मीडिया ने खास आपके लिए TV और वेब सीरीज सेक्शंस जोड़े हैं। अब देखिए अलग अलग न्यूज चैनल्स और मजेदार कहानियाँ। और हाँ, सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा देने के लिए वीडियो सेक्शन भी है। यहाँ आप अपने इलाके की बातें सब तक पहुँचा सकते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं के लिए भी अलग अलग टैब्स हैं, जो उनकी पसंद और जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो अब इंतजार कैसा, फटाफट गूगल प्ले स्टोर या iOS पर जाइए और रितम ऐप डाउनलोड कीजिए। सबसे पहले पाइए अपडेटेड न्यूज़।